अच्छा एक बात बताइए, मेरे आपको सेक्स में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? को सब पसंद है। सब में मतलब कुछ तो खास होगा आपके लिए। हमें क्या पसंद है? सच बताऊं, मुझे मतलब एक रिलेशन में एक भाभी थी, माधुरी भाभी नाम है। जब भी गांव जाता हूं तो अगर मौका मिलता है, उनके घर में कोई नहीं रहता है, फ्री रहते हैं, तो सेक्स कर लेता हूं। मुझे उस समय सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है पता है? मतलब जब मैं उनके चूत को चाटता हूं, उनके चूत मतलब जो बुर बोलते हैं। शादीशुदा है क्या? जी हाँ, शादीशुदा है। तो शादीशुदा के कर भी थे तो जी, शादीशुदा है और विधवा भी है। तो? विधवा भी है, उनका हस्बैंड मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, तो जब मैं उनके चूत को चाटता हूँ, मतलब इतने बुरी तरीके से चाटता हूँ, अपना पूरा जीव उनके चूत में घुसा देता हूँ, एकदम जैसे मतलब चोट रहा हूँ उनके चूत को जीव से। तो उसमें जो उनमें तड़प होती है लड़ने के लिए, जो तड़पते हैं वो, मतलब सर पकड़ के अपने चूत के ऊपर दबाते हैं, बोलते हैं और जोर से करो, पूरा जीव अंदर डाल दो, या मतलब इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि जीव निकालो, लंड डालो, लोड़ा बोल उनको चूत में डालो, बोलते रहते हैं। फिर भी चाटते रहता हूँ उनका, जान को पकड़ के एकदम उनके चूत के ऊपर, बुर के ऊपर अपना मुंह दबाए रहता हूँ। वो गुस्से में कभी कभी क्या करते हैं पता है, हम उठा के धक्का दे देते हैं और मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं और मेरा लंड अपने बुर में लेकर मतलब मेरे ऊपर कूदने लगते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तड़पते रहता हूँ ऐसा करने के लिए। मैंने तो मतलब अपने साइड जो है पीपल नॉटी पे, उसमें मतलब ढेर सारा अपना लन वगैरह का फोटो भी डाल के रखा है, और यहाँ तक कि जो भाभी से मैंने बताया आपको, तो उनके साथ में मतलब फोन पे भी सेक्स करता हूँ। मतलब इतना सेक्स की ग्रीडी है वो, इतना सेक्स उनको पसंद है, फोन पे उनके साथ सेक्स बातें करता हूँ। क्या क्या बातें? ऐसे मतलब जैसे ट्राई कर रहे हैं इस तरीके के, मतलब वो वहाँ मास्टरबेट करते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है, मैं भी यहाँ मतलब कर लेता हूँ तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। में नहीं करते क्या भाभी के साथ? रियल में तो वहाँ जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तब करता हूँ ना। यहाँ पे बताया ना, एक गर्लफ्रेंड थी, किरण नाम था उसका। हाँ। उसको भी मतलब सेक्स में मतलब अच्छा खासा इंटरेस्ट था, उसको भी मैं ऐसे ही करता था। उसका शादी करना चाहता था, इसका मतलब किरण का खास बात क्या है, इसको एनल सेक्स बहुत पसंद था। एनल सेक्स इसको बहुत पसंद था, जो किरण थी। अच्छा। इसको एनल सेक्स बहुत पसंद था, ये मतलब मेरा लौड़ा अपने चीत में लेने से ज्यादा जान में लेना ज्यादा पसंद करती थी। क्या समझा नहीं? रोज रोज करने के लिए कोई लड़की भी चाहिए ना, रोज रोज कहाँ जाए। बहुत बुरा है, आप रोज करोगे मेरे साथ सेक्स? अरे काश आप मिल जाते मुझे। अच्छा बैंगलोर में आप क्या करते हो? बैंगलोर में कहाँ आते हो आप? पता है अभी आपसे बात करते करते मेरा लौड़ा खड़ा हो गया है। अच्छा, मैंने तो ऐसे कोई बात की नहीं थी। मतलब आप पूछ रहे थे ना, तो मैं बता रहा था आंखों के सामने, मतलब वो सीन आ रहे थे। अच्छा, तो याद करके मेरा लौड़ा खड़ा हो गया है। क्या मन हो रहा है आपका? थोड़ा थोड़ा करने का। क्या फील कर रहे हो आप? बस कोई लड़का चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, अगर मैं वहाँ पे आपके साथ आपके बेड पे होता तो क्या करते अभी आप? क्या? अगर मैं वहाँ पे अभी आपके साथ आपके बेड पे होता अभी तो क्या करते आप? बस मैं होटल लेके रहती। और जो करना आप कुछ नहीं करते? सेक्स ऐसे थोड़े होता है, सेक्स मतलब
दोनों मिलकर किया जाए, दोनों मिलकर कुछ करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। अभी मैं आपके पास सुबह क्या करता पता है, मैं तो पागल हो जाती हूँ, मेरे दूध को चूसता है। अगर अभी मैं आपके पास तो क्या करता पता है, क्या आपके पूरे कपड़े खोल देता, खाना आपके पूरे बदन को ऐसे चूमता, आपके होंठ, आपके गाल, आपके गर्दन को जीभ से चलाते हुए, आपके दोनों चुटकियों को अपने हाथ में लेके मसलते हुए, अपने मुंह में लेके जोर जोर से चूसता उसको इस तरह से, आपके चुटकियों को फिर धीरे धीरे चूसते चूसते आपके पेट नाभि को चाटते हुए नीचे आता, बहुत पसंद है चुटकियों को दबाना चूसना, बहुत पसंद है। पूछ रहा हूँ आप अपने चुटकी को दबाइए। जी बोलिए, ओके मैं आपके पीछे आके खड़ा हो गया हूँ और अपने दोनों हाथ आगे करके आपके दोनों चुटकियों को अपने हाथ से पसल के मसल रहा हूँ और आपके गर्दन के ऊपर जोर जोर से चूम रहा हूँ। आपकी चुटकियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़े हैं, गर्म हैं, छोटी छोटे मसलने में मजा आ रहा है। अब मेरा एक हाथ आपके चुटकी पे और दूसरा हाथ आपके बुल को सहला रहा है, रगड़ रहा है आपके बुल को। आपके पैंटी के अंदर हाथ डाल के आपके बुल को रगड़ रहा हूँ मैं, बहुत गर्म बुल है आपका, मेरा उंगली बार बार आपके बुल के अंदर चल रहा है। एक उंगली भी डाल दो। हाँ उंगली डाल रहा हूँ, बहुत गर्मी लग रहा है, जैसे उंगली जैसे एकदम गर्म भट्टी में चला गया है, बहुत गर्मी है आपके बुल में। आपके बुल के पानी से मेरा पूरा उंगली लसलसा गया है, गीला हो गया है। मैं उसको तेजी से अंदर बाहर कर रहा हूँ आपके बुल में। मेरा लौड़ा आपके गांड के बीच में धंसा हुआ है। जी हाँ आप लेट जाओ, मुझे आपके बुल को चाटना है। पैर से ला लो अपना आप। आपके बुल को चूम रहा हूँ मैं, बहुत ही गर्म बुल है आपका, मैं अपना जीभ आपके बुल में घुसा रहा हूँ। आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो अभी? आप कुछ नहीं कर रहे हो? मैं तो वास्तविक करना नहीं पसंद, मुझे जीने नहीं पसंद है। मैं अपने लंग को अपने हाथ में पकड़ा हूँ, काश आप होते तो सीधा आपके बुर में दिखा देता अपना पूरा लंग। तुम करो हाथ से लेते अपने किसी बॉयफ्रेंड को बुलाएंगे जी? ओके ठीक है। और बोलिए, अच्छा एक बात सुनिए, आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ। जैसे आपने आज बात कर लिया ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछा था कि आप दोबारा मुझसे बात करोगे क्या? बात नहीं कर पाऊंगी मैं, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे रोज बात करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप फ्री हो मुझसे बात करना चाहोगे। जी ओके ठीक है। ऐसा मैं ये नहीं है कि मेरे पास आपका नंबर है तो मैं कभी भी आपको कॉल करता रहूंगा, डिस्टर्ब करता रहूंगा। आप जब भी फ्री हो मुझे मैसेज करें, मैं आपको या मैसेज करें या मिस कॉल करें, मैं आपको कॉल करता हूँ ठीक है? आप मुझे फोन करें, नहीं नहीं है आप ये इसमें मत रहिए कि मैं आपका नंबर मेरे पास आ गया तो मैं मैसेज करूंगा। जी ओके ठीक है, मेरे तरफ से फिक्र रहिए, मैं आपके नंबर में मैसेज वगैरह नहीं करूंगा।
मेरा आपका नंबर मेरे पास है तो मैं इसका मिसयूज भी नहीं करूंगा। अगर आप कॉल करते हैं या मिस कॉल करते हैं, मैं उसी समय आपको कॉल करके बात करूंगा, और वो भी अगर मैं फ्री रहूंगा तब कर पाऊंगा। जी ओके, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने तो मुझे तड़पा के रख दिया है। अभी तो वो सो रही होंगी, उनका फोन स्विच ऑफ होगा अभी, देखता हूँ कॉल करके, जागी हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ही याद करके सोना पड़ेगा। जी ओके ठीक है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं दोबारा आपसे बात करना चाहूंगा। ओके बाय। जी बाय, गुड नाइट।